Hi guys. Sorry guys, it took me so long because as you know guys, I'm hiding from Prakar ke Pravachan because he wants to send me to jail. क्या बात कर रहा है? So hello guys, welcome back to my channel. काफी time बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है. So I know it's been almost 2 months. मैं बहुत कम videos upload कर रहा था और उस time पे controversy एकदम peak पे चल रही थी. हर YouTuber video बना रहा था, मेरे पास भी एक golden chance था video बनाने का क्योंकि growth बहुत ज़्यादा थी. और आप लोग भी comment section में पूछे जा रहे थे कि भाई hashtag सेफ शोगा गंगवार पे वीडियोस कब आएगी. तो बेसिकली जब ये कंट्रोवर्सी पूरी पीक पे चल रही थी और मैं चाहता था कि मैं वीडियो बनाऊं लेकिन मैं बना नहीं सकता था क्योंकि मैं था हिमाचल प्रदेश शिमला में. तो आप लोग पूछोगे कि भाई तुम शिमला में क्या कर रहे थे, तो शिमला में आई वाज डूइंग अ स्टेट प्रोजेक्ट. अब हम वीडियो एडिटर आदमी है तो हम वीडियो एडिटिंग का काम करने के लिए वहां पे गए थे क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं. तो उस इलेक्शन के कैंपेन के लिए फॉर कांग्रेस पार्टी आई वाज देयर एज देयर वीडियो एडिटर. मैं अकेला ही नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे, काफी और भी ज्यादा वीडियो एडिटर्स थे और भी बाकी अलग अलग डिफरेंट फील्ड के टीम मेंबर्स थे. तो वहां पे काफी ज्यादा मजा आया, कुछ ज्यादा ही मजा आया. तो 2 महीने का वो सफर भी अच्छा रहा, तो एक अलग एक्सपीरियंस था. और क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शंस का जब टाइम होता है तो सारी चीजें ऑन द स्पॉट होती हैं, एकदम से होती हैं, स्पॉन्टेनियसली होती हैं, तो आपको चाहते हुए भी टाइम नहीं मिल पाता है बिकॉज वीडियोस कभी भी कुछ भी हो सकता है तो किसी भी टाइम पे एडिट करने के लिए आ जाती थी. तो उस वजह से आई रियली डिडंट हैव एनी टाइम टू फोकस ऑन माय चैनल. मैंने कोशिश करी कि मैं वीडियोस, मैंने पहले से शूट करके रख रखी थी कि मैं वीडियोस डालूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो तो डाल ही पाऊं, बट वहां पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा था काम का तो उस वजह से मैं ये चीज नहीं कर पाया. लेकिन जो मैंने पहले से शूट कर रखी थी वीडियो वो मैंने डाली क्योंकि वो भी टाइम मेरे को एडिट करने के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता था. वो भी थोड़ा थोड़ा एडिट करके मैं जैसे तैसे अपलोड करता था उस वीडियो को. जब आपकी एक वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो आपका कहीं ना कहीं एक मन भी चला जाता है वीडियो बनाने का. और उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व सो मच इन वर्क, तो मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव भी नहीं था, ना ही मैं कॉन्ट्रोवर्सी को इतना फॉलो कर रहा था, ना ही मैं यूट्यूब को देख पा रहा था. जनरली कोई और भी किसी क्रिएटर की वीडियो मैं नहीं देख पा रहा था. तो उस पर भी मैं कैच कर रहा हूँ धीरे धीरे क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ. कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से आई हैड टू कम बैक एंड नाउ दैट आई एम हियर होपफुली अब यूट्यूब पे वीडियोज रेगुलरली आती रहेंगी. खैर ये तो हमने आपको पूरा बैकग्राउंड चेक बता दिया कि भाई क्या सीन चल रहा था, क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था. तो अब आ जाते हैं कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात पे क्योंकि उस कॉन्ट्रोवर्सी को मैं उस टाइम पे एड्रेस नहीं कर पाया था. तो देर सही सही अब करते हैं. तो हम शुरू करते हैं जहां से मैंने पहले छोड़ा था क्योंकि उससे पहले जो भी हुआ है उस सब की चीज, उन सब चीजों की बातें तो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं. सो श्वेता गंगवार पुट्स अ वीडियो टू ऑल यूट्यूबर्स आई नीड हेल्प वाली वीडियो जो थी, जिसमें श्वेता गंगवार बताते हैं कि भाई उनके ऊपर प्रखर के प्रवचन ने 2 करोड़ का केस कर रखा है. तो उस वीडियो के बाद काफी ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर्स उनके सपोर्ट में आते हैं और भी क्रिएटर सपोर्ट में आते हैं और वो लोग वीडियो बनाते हैं. एवरीवन वाज इन सपोर्ट ऑफ श्वेता गंगवार इंक्लूडिंग मी. हालांकि मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आई थिंक आई डिड पोस्ट अ कम्युनिटी पोस्ट क्योंकि कुछ तो बोलना बनता है ना भाई. और मैंने शायद ट्विटर पे भी कुछ ट्वीट किया था, वो मुझे ध्यान नहीं है. तो वो अगर आप चेक करना चाहें तो मेरी ट्विटर आईडी यहाँ पे होगी, आप चेक कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद सबसे अनोखी चीज ये हुई कि श्वेता गंगवार कम्स ऑन संदीप माहेश्वरीज यूट्यूब चैनल जो कि उनका संदीप माहेश्वरी शो नाम से कुछ चलता है, उस पे ही वॉज एज अ गेस्ट ही केम. टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट ऑनेस्टली. और मैं समझ सकता हूँ कि श्वेता गंगवार क्यों गए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू यूज हिज प्लेटफॉर्म टू रेज हिज वॉइस कि भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग इस चीज को एक्नॉलेज करें, इसके बारे में बोलें, इसके खिलाफ कुछ तो बोले, अपनी आवाज उठाएं. वो चीज अच्छी थी, लेकिन संदीप माहेश्वरी वॉज काइंड ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ श्वेता गंगवार सिचुएशन. आई डोंट थिंक ही रियली वॉन्टेड टू हेल्प हिम, और मे बी ही डिड वॉन्ट टू हेल्प हिम, बट साथ ही साथ ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर हिज ओन बेनिफिट कि आई इसकी सिचुएशन या इनकी हालत जो अभी खराब है उससे मैं अपना फायदा कैसे निकाल सकता हूँ. क्योंकि अगर आप उस वीडियो में देखो भी तो संदीप माहेश्वरी सिर्फ सेकेंड हाफ में अपने ही बारे में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको ही यू नो कॉन्स्टेंटली बोलते जाती हैं इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू श्वेता गंगवार्स मेन प्रॉब्लम. एंड आई रियली थिंक दैट ही वॉन्टेड टू क्लीन हिज इमेज अगेन एंड यूज श्वेता गंगवार एज अ पॉन. बिकॉज अगर आप वीडियो में भी देखोगे तो जब संदीप माहेश्वरी अपनी बात बोलते हैं तो श्वेता गंगवार इज जस्ट नॉडिंग. क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? He doesn't even reply because I think that at the back of his head he still thinks that क्या क्या bullshit फेंक रहे हो मेरे ऊपर यार, मैं इसका कोई reply नहीं करूंगा. एंड आप वीडियो में देखो भी तो he just like this.
पूरी वीडियो में कुछ नहीं बोला है, जस्ट संदीप माहेश्वरी इज जस्ट क्राइंग लाइक अ बेबी। और आधी वीडियो में तो पैसिवली अग्रेसिवली अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकाली है संदीप माहेश्वरी ने, और श्वेता गंगवार को भी ये बात पता थी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई डिडंट कमेंट, ही जस्ट नॉडेड हिज हेड। सो संदीप माहेश्वरी इज स्टिल अ छोटी बच्ची फॉर मी। आई मीन कम्युनिटी पोस्ट डाल के फिर से डिलीट करना, फिर डाल के फिर से डिलीट करना, कोई इनसे सीखे। सो उसके बाद प्रखर के प्रवचन अपनी वीडियो निकालते हैं, उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट करते हैं जिसका टाइटल होता है द मोस्ट हेटेड। तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड किए गए थे इन रिलेशन टू संदीप माहेश्वरी, उसमें से कुछ मुझे वैलिड लगे, लेकिन जो भी श्वेता गंगवार के रिलेशन में बोले थे उस पे आई काइंड ऑफ डिडंट अग्री दैट मच। बाद में जब पूरी चीज एक्सप्लेन हुई श्वेता गंगवार की अगली वीडियो में, जिसकी हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद श्वेता गंगवार अपनी एक और वीडियो अपलोड करते हैं कि इसमें मतलब फुल प्रखर के प्रवचन को एक्सपोज किया जाएगा, और वो करते भी हैं ऐसा इस वीडियो में। सारे जितने भी पहले वो अपने फैक्ट्स नहीं बता रहे थे, स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर रहे थे बिकॉज अपनी प्राइवेसी के लिए, वो उन्हें एट द एंड करना ही पड़ा टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। और उस वीडियो में वो प्रखर के प्रवचन ने जितने भी अपनी मोस्ट हेटेड वाली वीडियो में क्लेम किए थे उन सबको काउंटर करते हैं, और वो भी काफी अच्छी तरीके से काउंटर करते हैं। और उस वीडियो में ये भी रिवील होता है दैट प्रखर के प्रवचन वांट्स टू रिमूव माय वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, एंड नॉट जस्ट मी, अदर 60 वीडियोस एज वेल फ्रॉम डिफरेंट मीडियम टू स्मॉल साइज क्रिएटर्स। लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है भाई, शुरू में जो बोला था कि प्रखर के प्रवचन मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहा है, वो साजिश रच रहा है, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो हम थोड़ा सा ऐसे थंबनेल में भी थोड़ा क्लिक बेट कर रहे थे भाई, अब यूट्यूबर है करना पड़ता है, क्या करें, वो तो क्लिक बेट कर रहा था। समझ रहे हो आप। और श्वेता गंगवार अपनी वीडियो में एक क्वेश्चन भी रेज करते हैं इसी पॉइंट के बाद कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी, जो हम छोटे से मीडियम साइज क्रिएटर से, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, क्योंकि भाई हम तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं और बाकी लोग भी अपना ओपिनियन ही देते हैं, इस कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड नहीं, इन जनरल भी बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जिनका जो रिव्यू चैनल चलाते हैं, रिएक्शन चैनल चलाते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज हो गए, या फिर कोई म्यूजिक का रिव्यू, कोई किसी चीज़ का रिव्यू करता है, हर जो भी अपनी फील्ड में जिसको भी नॉलेज है वो उस चीज़ को रिव्यू करता है, बॉलीवुड रिव्यूज हो गए, मूवी रिव्यूज हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी एक ओपिनियन देना ही हुआ कि भाई मेरा इस पे क्या प्रतिक्रिया है, मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो दैट्स वॉट वी वर डूइंग, और मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो मेरा अभी फिलहाल सिर्फ यही कहना है कि देखो भाई, मैटर जो है वो कोर्ट में जा चुका है, एंड इफ द कोर्ट थिंक्स दैट माई वीडियो इज डेफेमेटरी एंड डेरोगेटरी, बाय ऑल मीन्स आई विल रिमूव माई वीडियो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज आई एम नॉट अबव लॉ, मैं आई रेस्पेक्ट आई सपोर्ट माई कंट्रीज लॉ। तो जो भी हाई कोर्ट का या जिसका भी जो भी कितने सालों बाद पता नहीं जो भी फैसला आएगा, और अगर ऐसा होता है कि आई हैव टू रिमूव माई वीडियो, आई विल ग्लैडली रिमूव माई वीडियो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। इतना हम लोड नहीं लेते हैं भाई, वीडियो ही तो है, 10 मिनट की वीडियो है, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन इफ इन केस ही लूजेस द केस देन वीडियो तो कहीं नहीं जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और बदनामी अलग होगी तो खैर anyway, वो तो जब रिजल्ट आएगा उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम तब उसकी बात करेंगे। एज ऑफ नाउ माई वीडियो और एनी वन एल्सेज वीडियो इज नॉट गोइंग एनी वेयर। और ये जो प्रखर के प्रवचन भाई साहब हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इनकी अभी मैंने रिसेंटली एक किताब भी परचेज करी है, इन्होंने कोई किताब लिखी है, तो हम भी तो देखें भाई क्या क्या। देखो भाई, कॉन्ट्रोवर्सी अपनी जगह है, और क्रिएटिव चीज़ या कोई भी बुक वगैरह या कोई भी चीज़ होती है इंसान की, वो ऐसा कोई नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अब इसने मेरी वीडियो रिमूव कराने के लिए बोला तो अब मैं इससे नफरत करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। I'll still read PDF लिए so that I can read on my iPad. ये देखिए भाई हमारा iPad. Unnecessary iPad flex करना है भाई, क्योंकि क्या करे, मजबूर है इंसान। तो बुक को खरीदने का पर्पज ये था कि मैं उस बुक को पढ़ू, एंड देन आई विल गिव अ बैड रिव्यू टू योर बुक। जस्ट kidding, इट्स gonna बी वर्स, रिव्यू कमिंग soon. बट आई एम स्टिल gonna मेक वीडियो ऑन whatever आई लाइक, जिस टॉपिक में भी मैं इंटरेस्टेड होऊंगा मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस टॉपिक में मत बनाओ या उस टॉपिक में मत बनाओ, तो मेरा जो मन करेगा भाई, हम हमारा जहां मन चाहेगा हम वहां वीडियो बनाएंगे। और इस पूरी सिचुएशन में फनी थिंग इज दैट कि जिस चीज से प्रखर के प्रवचन वॉज सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम, ही इज डूइंग द सेम थिंग अगैन, जो भी मतलब संदीप माहेश्वरी ने किया, यू आर जस्ट रेप्लीकेटिंग दैट, एंड यू कैन जस्ट लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। आई थिंक ही इज बिकमिंग SM लाइट, that's what I would like to call him, because whatever he was fighting against he is now doing the same. Confucius ne kaha tha that when you're going for revenge start digging 2 graves, but anyway that is prakar ke pravachan for you. Aage aate hain, to ek cheez jo mere liye achhi hui wo ye hai ki I got name dropped in Shweta Gangwar's video, which to me was I did not ever expected that, but I am glad that it happened. Jayesh ka video, गौरव रुकी का वीडियो, ऋषि राठौड़ का वीडियो, सन रेवी का वीडियो, अंशुल शर्मा है, और बहुत क्रिएटर्स हैं। और मैं तो काम करने में बिजी था कि माय सिस्टर शी टेक्स्टेड मी लाइक देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू एट दिस टाइम स्टैम्प इन दिस वीडियो, एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी वॉच इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट इवन लाइक
मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ, लाइक मे बी कोई और अंशुल शर्मा होगा शायद उसकी बात हो रही है, व्हाई वुड ही से माय नेम, बट देन या इट वाज मी गाइस, इट वाज मी, आई एम फेमस नाउ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, आई मीन ही नोज दैट आई एग्जिस्ट इज ऑलरेडी अ बिग थिंग फॉर मी, आई डोंट नो इफ ही हैज सीन माय वीडियोस और नॉट, आई हैव नो आईडिया अबाउट दैट, बट नाम सुन के ऐसे दिल को बड़ी ऐसे खुशी हुई, बड़ी तसल्ली सी मिली। आफ्टर दैट नोबडी मेड अ वीडियो, इधर उधर थोड़ा बहुत सबलिमिनली प्रखर के प्रवचन और संदीप माहेश्वरी एक दूसरे को पोक करते रहे ट्वीट्स में, स्टोरीज में, कम्युनिटी पोस्ट में, बट उसके बाद एवरीबडी मूव्ड ऑन एंड सो शुड यू। फिर सब अपना अपना काम करने लगे, जो भी उनका कॉन्टेंट था वो बनाने लगे, एंड आई डिडंट मेक अ वीडियो दैट टाइम, बट नाउ आई एम मेकिंग इट टू क्लियर माई स्टैंड ऑन इट, विच इन शॉर्ट इज प्रखर के प्रवचन फाइलिंग अ केस ऑन संदीप माहेश्वरी स्टिल ओके फॉर मी, क्योंकि देखो भाई हगा तो दोनों ने है, और दोनों को अगर कीचड़ में जाके लड़ाई करनी है तो करने दो, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आप लोगों को कोई फर्क पड़ना चाहिए। That's their fight, let them fight. उनको कोर्ट में फाइट करना है, UFC में जाके फाइट करना है, कहीं भी जाके फाइट करना है, let them do whatever they want to do. But don't trouble your mother. Keep in mind, never trouble anybody's mother. सलमान भाई ने, सलमान भाई का ये एक बहुत ही अच्छा, उन्होंने मैसेज देते हैं हमेशा, do whatever the hell you want to do. But never ever trouble your mother. But श्वेता गंगवार को उनकी mental condition और जो भी उनकी life में चीज़ें हो रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए फालतू में घसीटना, I don't think that made much sense to me. And I really thought that I think it was too much for anybody. Like अगर आप कोई भी situation हो ना, अगर आपको देखना हो तो आप खुद पे देखो कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे कैसा लगेगा। And if my friend, जिसको मैं पहले दोस्त मानता था, अगर वो if he does things like that, like aapka pura trust system, you know, just like break ho jayega, and that is a very sad thing for anybody to happen. I don't think it was necessary at by any means, kyunki wo cheez delay ho sakti thi, like aisa nahi tha ki bhai ye zaruri hai abhi hi hota hai, aap Shweta Gangwar se baat cheet karke apne jaise bhi alag tarike se aap wo suljha sakte the, but prakar ke pravachan ki choice hai ki bhai unko court mein jana hai to let them go to court. And I think Peepoy also was, it was not necessary for Prakar ke Pravachan to drag Peepoy as well into the court. Baat karke, video bana ke, jaise bhi taise bhi baat karni thi to they could have done that, but they didn't do it. So anyway, Sandeep Maheshwari na dekho bhai already meri aankhon mein respect kho di thi, and Prakar ke Pravachan now that's the same thing as well. I don't really like this guy anymore. I've stopped watching his videos. But Shweta Gangwar is still my man. Love that guy. Still watches videos. Kaam karte raho dost, kaam karte raho. That is the maxim that I follow. देखो भाई सब अपना काम कर रहे हैं तो उनको अपना काम करने दो, और हम यहाँ बैठ के अपना नाम कर रहे हैं तो हमें अपना नाम करने दो, और आप लोग तब तक चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ। After 2 months I'm recording my videos, so guys, if my energy is down or I'm not as lively as I appear on my videos, I'm sorry. It's like, you know, it's tough to speak in front of camera after so long. You have to get into that zone again. So if I'm a little out of my charm or my beat, please, I apologize. I sincerely apologize to you guys. Peace out. Okay, bye. Yeah, that's the end of this video, guys. You can go. Bye. Prakhar thoda samajhdar hai. Aur samajhdar hone ka scope hai usme. Sandeep Maheshwari bilkul samajhdar nahi hai. उसमें कोई स्कोप नहीं है समझदार होने का।